हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ यूपीएससी। आज के लेक्चर में हम नाइन सोर्सेस को कवर करेंगे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी आपके प्रीवियस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और स्पेसिफिकली इसकी जो थीम रहेगी दैट इज स्पीशीज इन न्यूज, राइट। सो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, टाइगर इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर एंड बाली टाइगर आर एक्सटिंक्ट सब स्पीशीज ऑफ द टाइगर्स। थर्ड स्टेटमेंट है, दैट इज मानस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। अब देखिए, स्टैटिक पोर्शन है, टाइगर एज अ स्पीशी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लिसिटली हम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था, जहां से कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की गई थी, राइट। सो टाइगर आपकी कीस्टोन स्पीशी है। जितनी भी कीस्टोन स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। आपको करेक्ट ऑप्शंस बतानी है, विच ऑफ देम आर दी करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज 1 एंड 2, सेकेंड ऑप्शन है दैट इज 2 एंड 3, थर्ड ऑप्शन है दैट इज 3 ओनली, और फोर्थ ऑप्शन है दैट इज 1, 2 एंड 3, राइट। सो अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो आप देखेंगे इसका आंसर बनता है दैट इज 1, जिसमें 1 एंड 2 करेक्ट है। अब 1 एंड 2 करेक्ट है, इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर एक्सटिंक्ट सब स्पीशीज की बात करी जा रही है। अगर हम टाइगर को देखते हैं तो यहाँ पर 8 तरह की सब स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से 3 जो है वो एक्सटिंक्ट हैं। अब वो जो 3 एक्सटिंक्ट हैं वो यही हैं। पहला है जावन, कैस्पियन और बाली। जावन और बाली याद रहेगा, ऐसे ही कैस्पियन आपको याद रखना है। तो 8 में से जो 3 सब स्पीशीज टाइगर की हैं, दैट हैव बीन एक्सटिंक्ट, राइट। सो हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। उससे पहले आप सोर्स देख लीजिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई थी दैट विद 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन, इंडिया सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल टाइगर डे 2022। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29th जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल टाइगर डे। अब आपको पता है कि 70% पॉपुलेशन टाइगर की आपको इंडिया में देखने को मिलती है, इसीलिए इंडिया एक तरह से लीडर की तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लस हमने टाइगर कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो भी काफी सारे लिए हुए हैं, जिसकी वजह से हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं, राइट। सो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो टाइगर्स हैं उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और इनमें से इन 8 सब स्पीशीज में से जो 3 सब स्पीशीज हैं दैट हैव बीन एक्सटिंक्ट। तो 8 सब स्पीशीज कौन कौन सी है? सबसे पहले बंगाल टाइगर, कैस्पियन टाइगर अभी हमने देखा, ये जो है कैस्पियन टाइगर हैज बीन एक्सटिंक्ट। ऐसे ही अमूर टाइगर एग्जिस्ट करता है, जावन टाइगर हैज बीन एक्सटिंक्ट। ऐसे ही अगर हम साउथ चाइना टाइगर की बात करते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है, दैट इज बाली टाइगर, अगेन इट हैज बीन एक्सटिंक्ट। ऐसे ही सुमात्रन टाइगर एग्जिस्ट करता है, और आपके इंडो चाइनीज टाइगर एग्जिस्ट करते हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। तो जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 3 स्पीशीज दैट इज जावन, सुमात्रन एंड कैस्पियन, ये तीनों ही क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब देखिए, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनमें से जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो याद रखना है, या फिर जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो याद रखने हैं, राइट। सो अगर हम इनकी प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करते हैं, अगर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखते हैं तो स्केड्यूल 1 में है, जिसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात करते हैं तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ऐसे ही अगर हम साइट्स की बात करते हैं तो अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है जी। सो आपके पास जो टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया है वो कितनी है? दैट इज टोटल 53 टाइगर रिजर्व साइट्स। अब देखिए, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, धीरे धीरे कर सकते हैं, स्टेट वाइज कर लो, उतना उससे आसानी हो जाएगी, राइट। सो अगर हम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो नागार्जुना सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में जो है
वो आपका लार्जेस्ट है, इसीलिए जो आपकी स्टेटमेंट थ्री है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो बोर टाइगर रिजर्व जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है वो स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश, श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? दैट इज इन महाराष्ट्र, बोर। ठीक है जी। सो इंटरनेशनल टाइगर डे हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 29th of July एवरी ईयर। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम टाइगर को कंजर्व करने की तो बात करते ही करते हैं, साइमल्टेनियसली हम उसके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको कंजर्व करने की भी बात करते हैं। राइट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, जिसमें स्पेसिफिकली हम प्लेसेस एंड न्यूज के बारे में बात करेंगे। सो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोकटक लेक। अब लोकटक लेक काफी ज्यादा न्यूज में रहती है एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? फ्लोटिंग वेजिटेशन देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है फुमड़ीज। सो जो फुमड़ीज है इस करके ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको लोकटक लेक के बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज नॉट लिस्टेड अंडर द मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। थर्ड स्टेटमेंट है दैट इट इज सिचुएटेड इन साइड द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आपने कोई भी एनवायरनमेंट की स्टैटिक बुक पढ़ी है तो लोकटक लेक उसमें जरूर लिखी गई होती है। तो सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। आपको ऑप्शंस हैं वन एंड टू, टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, और इज इट डी दैट इज वन टू एंड थ्री। राइट। सो लोकटक लेक के बारे में बताना है, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। सो आंसर यहाँ पर हो जाता है दैट इज थ्री, जहां पर आपका वन एंड थ्री करेक्ट है। ये जो है सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सो आप देख सकते हैं न्यूज में कब कब था। सो डाउन टू अर्थ में लिखा गया है दैट द मणिपुर गवर्नमेंट ऑर्डर्स फ्लोटिंग होम स्टेज ऑफ लोकटक एंड लोकल्स डिमांड रोल बैक। सो जो भी होम स्टेज आपको फुमड़ीज के पास देखने को मिल रहे थे, तो आपको जो मणिपुर गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है यहाँ पर होम स्टेज नहीं खोलने हैं। क्यों? क्योंकि वहां की नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हार्म हो रही है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पर लोकल्स रहते हैं, उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट रहता है इस टूरिज्म एक्टिविटी से। सो इसीलिए उन्होंने इसकी रोल बैक की बात की है। राइट। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो जो लाइवलीहुड हार्म हो रहा है उससे उससे हम ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड की बात कर सकते हैं। राइट। सो दिस वॉज द न्यूज रिलेटेड इन द डाउन टू अर्थ। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, सो ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो इसीलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। कहाँ ये? मणिपुर में लोकेटेड है। लोकटक लेक वॉज इनिशियली डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर दी रामसर कन्वेंशन इन 1990। सो इसको सबसे पहले किस में रखा गया था? रामसर कन्वेंशन में रखा गया था। क्यों? क्योंकि इट इज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। राइट। लेटर इट वॉज ऑल्सो लिस्टेड अंडर द मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड इन 1993। सो सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि जो लोकटक लेक है, जो आपकी लोकटक लेक एग्जिस्ट करती है मणिपुर में, वो किसके तहत आएगी? मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के तहत। राइट। ऐसे ही अगर हम द लेक हाउसेज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड विच इज नोन एज केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। सो केबुल लमजाओ आपको नेशनल पार्क याद रखना है, और ये फ्लोटिंग वेजिटेशन एग्जिस्ट करती है जिनको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं फुमड़ीज। ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, और ये इंडेक्स से रिलेटेड है, इंडेसेस इन न्यूज। क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग द एरिडिटी अनोमली आउटलुक इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो रिसेंटली अनोमली आउटलुक इंडेक्स, अगेन देखिए जो इंडेसेस हैं वो आपके एक्सप्लिसिट भी कवर करे जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड था इसीलिए इसको इस टॉपिक में इंक्लूड किया गया है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। सेकेंड स्टेटमेंट है इट मेजर्स द पीएच लेवल ऑफ द सॉइल। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स पैरामीटर्स इंक्लूड एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन
एंड कैलकुलेटेड पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन। अब दो चीजें हैं, एक है एक्चुअल इवेपो ट्रांसपीरेशन और दूसरा है दैट इज कैलकुलेटेड पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन। देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इवेपो ट्रांसपीरेशन कितनी हो सकती है, राइट? अगर आपको बेसिक्स याद हो ड्रॉट्स के, तो बहुत प्रकार के ड्रॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट की बात करती हूँ, तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है, जब आप जिस फील्ड में एग्रीकल्चर करते हैं, अगर उस सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट कम हो गया है, मॉइस्चर जो पहले था वो अब नहीं है, तो हम कहेंगे दैट पर्टिकुलर फील्ड इज सफरिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल ड्रॉट, राइट? सो उसी से रिलेटेड आपका ये इंडेक्स है। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं 1 एंड 2, 2 ओनली, 3 ओनली, और इज इट डी 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट? सो अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करते हैं, तो आंसर आपका आता है दैट इज 3, जो कि है 3 ओनली। सो दिस इज करेक्ट, बाकी करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नीति आयोग ने नहीं किया है पब्लिश। तो हम देखते हैं अगेन, ये जो न्यूज थी ये डाउन टू अर्थ में है। सो यहाँ पर डेटा दिया गया है दैट सम 85% डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया नाउ फेस एरिड कंडीशंस। सो यहाँ पर एग्रीकल्चरल ड्रॉट देखने को मिलता है। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। सो जो एरिडिटी अनोमली आउटलुक इंडेक्स है, द इंडेक्स मॉनिटर्स एग्रीकल्चरल ड्रॉट, a situation when the rainfall and the soil moisture are inadequate to support the healthy crop growth. ठीक है, so यहाँ पर क्या measure किया जाता है? So measure किया जाता है that is the agricultural drought, जिसमें हम moisture content को check करते हैं, right? So ये publish किसने किया है? It is developed by IMD, that is Indian Meteorological Department, and not by नीति आयोग। इसीलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, राइट? नेक्स्ट आता है, इट्स पैरामीटर्स इंक्लूड एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन एंड कैलकुलेटेड पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन। सो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये कितनी इवेपोट्रांसपीरेशन कर सकता है। देखो इवेपोट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर इवेपोरेशन की भी बात करी जाती है और ट्रांसपीरेशन की भी बात करी जाती है। तो जब प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपीरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर। ऐसे ही इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन की वजह से जब पानी का लॉस होता है। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं कि पोटेंशियल कितना है, अगर एक्चुअल की बात करते हैं तो वो कितना इवेपोट्रांसपीरेशन कर रहा है, और पोटेंशियल में इवेपोट्रांसपीरेशन कितना होना चाहिए, राइट? सो अगर हम एक्चुअल इवेपोट्रांसपीरेशन की बात करते हैं, इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। सो इट इज एक्चुअली रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। लेकिन अगर हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन की बात करते हैं, ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम अटेनेबल और अचीवेबल इवेपोट्रांसपीरेशन for a given crop due to evaporation and transpiration, right? So ये calculate क्या करता है, दो चीजें, actual evapotranspiration और दूसरा क्या करता है, that is potential evapotranspiration, ठीक है? So ये index किसने निकाला है, IMD ने निकाला है, जिसमें signify किया गया है कि around 85% of the districts are suffering from that is water shortage, ठीक है जी? So this is all about this index. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि टर्म रिलेटेड न्यूज है। सो कोई टर्म होगी जो आपको सिग्निफाई करनी है। सो फर्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट है दैट इज अल्फा फोल्ड इज अ डीप न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज रोजेटा फोल्ड टूल can predict the structure of the protein complexes more accurately than AlphaFold. So, दो terminologies यहाँ पर include की गई हैं, एक है AlphaFold और एक है Rosetta Fold, right? So, आपको correct options बतानी है। आपके पास options हैं, that is 1 only, 2 only, 1 and 2 only, or is it D, neither 1 nor 2, right?
सो आंसर देखते हैं. आंसर है इसका दैट इज वन, जिसमें आपको वन ओनली करेक्ट होता हुआ दिखता है. अब देखते हैं पहले समझिए डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं. देखिए अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो एक्चुअली में हम बात क्या कर रहे हैं कि हम एक मशीन ऐसी बनाना चाहते हैं जो कैसे बिहेव करे एज ह्यूमन बिहेव करे. तो हम क्या चाहते हैं कि जो मशीन है वो उसका दिमाग कैसे काम करे, उसके इमोशंस कैसे काम करे जैसे एक ह्यूमन बीइंग के करते हैं. तो जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि वो कैसे काम करे एक ह्यूमन की तरह काम करे. तो उनको कहा जाता है द डीप न्यूरल नेटवर्क्स, राइट. सो अगर हम देखते हैं, ये द हिंदू का न्यूज था जहां पर लिखा गया है अल्फा फोल्ड अ टूर डे फोर्स इन द साइंस. सो यहां पर हम डीप माइंड एक कंपनी है जो ये प्रोग्रेस कर रही है, राइट. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अगर हम अल्फा फोल्ड के बारे में बात करते हैं तो अल्फा फोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल है जो कि बेस्ड है एक कंप्यूटर सिस्टम में जिसको कहा गया है डीप न्यूरल नेटवर्क, राइट. अब देखिए जो रोजेटा फोल्ड है, रोजेटा फोल्ड भी एक्चुअली में क्या करता है, वो भी डीप न्यूरल नेटवर्क है. लेकिन जो अल्फा फोल्ड न्यूरल नेटवर्क है वो ज्यादा इफेक्टिव है, एफिशिएंट है एज कंपेयर टू रोजेटा फोल्ड. इसीलिए जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, राइट. सो आप देख सकते हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स है दे यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट डेटा एंड प्रोवाइड द डिजायर्ड आउटपुट एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन काम करेगा वैसे ही ये आउटपुट देगा. इसको कहा जाता है डीप न्यूरल नेटवर्क, राइट. सो अगर हम रोजेटा फोल्ड सॉरी अल्फा फोल्ड इज नॉट द ओनली एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल, इसके अलावा कौन सा एग्जिस्ट करता है, दैट इज रोजेटा फोल्ड. लेकिन जो रोजेटा फोल्ड है ये जो है ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू अल्फा फोल्ड. सो दोनों ही टर्म्स हैं, अल्फा फोल्ड और दैट इज रोजेटा फोल्ड. अब दोनों कहीं भी अगर आपको दिखते हैं तो इट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोर प्रिसाइजली इट इज रिलेटेड टू डीप न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है जी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, दैट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू योर डिजीजेस, राइट. So let's see, question क्या कहता है? Consider the following statements regarding African swine fever. अब ये African swine fever काफी ज़्यादा news में था, उसके बारे में आपने statements बतानी हैं. So पहली statement है, it was first detected in Africa in 1920s. Second statement है, it is a viral disease and can spread from animals to humans also. Third statement है, there is no cure available for it. आपको बतानी है कौन कौन सी statements correct है. राइट. सो आपके पास ऑप्शंस है 1 and 2, 1 and 3, 3 only और इज इट डी 1, 2 and 3 only, राइट. सो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के रिलेटेड है. तो जो आप सेकंड स्टेटमेंट देख सकते हैं वो ये कहता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज क्या है, जूनोटिक डिजीज है कि नहीं है. तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, आंसर आपका 2 है, दैट इज 1 and 3 only. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, ये सिर्फ एनिमल्स को ही इन्फेक्ट कर सकती है. सो ह्यूमंस आर सेफ फ्रॉम दिस. सो आप देख सकते हैं द हिंदू का न्यूज है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहां पर पाया गया है रिसेंटली, ये केरला में कुछ 15 पिग्स में पाया गया है. प्राइवेट फार्म था, वहां पर जो 15 पिग्स हैं वो मर गए हैं. किस फीवर की वजह से? अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से. सो इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है रिसेंटली कहां पर पाया गया है, केरला में देखने को मिला है, जिसमें आपको 15 पिग्स की डेथ होती हुई दिखी है, राइट. सो अगर हम फर्स्ट डिटेक्शन की बात करते हैं तो ये अफ्रीका में पाया गया था कब, 1920s में. सो यहाँ पर सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर होता है, इट इज कंटेजियस. लेकिन ये कंटेजियस किसके लिए है, ओनली फॉर एनिमल्स. लेकिन इन्फेक्टेड एनिमल्स ये पास ऑन टू नहीं कर सकते टू दी ह्यूमंस. सो ये जूनोटिक डिजीज नहीं है, डन. सो इट जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इट स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल टू एनिमल ओनली, इट इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स. दैट्स वाई योर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट.
सो अगर हम यहाँ पर मोर्टालिटी रेट की बात करते हैं तो काफी ज्यादा मोर्टालिटी रेट देखने को मिलता है कि अगर कोई भी पिग इससे इन्फेक्टेड है तो 95% to 100% श्योरिटी है कि वो उसकी डेथ हो जाएगी, राइट? सिंस द फीवर हैज नो क्योर, इसकी कोई क्योर नहीं है, इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है, राइट? सो दिस वॉज रिलेटेड विद द अफ्रीकन स्वाइन फीवर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर दैट इज अ सिक्स, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, अगेन टर्म रिलेटेड क्वेश्चन है. सो देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ब्लू कार्बन. अब देखिए, ब्लू कार्बन काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ब्लू कार्बन के बारे में आपको स्टैटिक कंसेप्ट्स पूछे गए हैं. सो पहला है, इट रेफर्स टू कार्बन अब्सॉर्ब्ड सोलली बाय ब्लू ग्रीन एल्गी ओनली. तो यहां पर ओनली लिखा गया है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा. सेकंड स्टेटमेंट है, ब्लू कार्बन इज अ नेचुरल क्लाइमेटिक सोल्यूशन फॉर एड्रेसिंग दी ग्लोबल कूलिंग, राइट? सो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो आपके पास ऑप्शंस है, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, और इज इट डी, नीदर वन नॉर टू. सो ब्लू कार्बन आपने काफी ज्यादा न्यूज में देखा होगा, रादर हम स्टैटिक पार्ट में भी इसको पढ़ते हैं, बाय सिक्वेस्टरिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हमें सिक्वेस्टर करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम किसकी बात करते हैं, ब्लू कार्बन की बात करते हैं, राइट? सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, दैट इज फोर, नीदर वन नॉर टू. क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा है उन्होंने, कि जो कार्बन है वो अब्सॉर्ब की जाती है सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी से. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्गी ही सिक्वेस्टर करती है कार्बन को, बहुत सी और भी चीजें हैं जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलती हैं जो सिक्वेस्टर करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट? तो उन्होंने बोला है, इट इज अ नेचुरल क्लाइमेटिक सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग दी ग्लोबल कूलिंग. सो हम देख सकते हैं ये डाउन टू अर्थ का है. व्हाई वी कांट रिलाय ऑन रीग्रोइंग कोस्टल हैबिटेट्स टू ऑफसेट कार्बन एमिशंस. सो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, अगर किसी ने रीड करना है वो रीड कर सकते हैं, डाउन टू अर्थ का है, राइट? सो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, जो ओशन एंड कोस्ट्स हैं, दे प्रोवाइड अ नेचुरल वे ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस ऑन आर एटमोस्फेयर थ्रू द सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. मैं बता चुकी हूँ, जो आपके ओशंस हैं, जो भी कोस्टल एरियाज हैं, वो दोनों ही क्या बनाते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक अच्छा जरिया, राइट? सो द ब्लू कार्बन इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय वर्ल्ड्स ओशियानिक एंड कोस्टल इकोसिस्टम. सो जो भी कोस्टल इकोसिस्टम्स या फिर ओशियानिक इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, अब चाहे फिर वो एल्गी हो, चाहे फिर वो मैंग्रोव्स हो, मार्शेस हो, ये सारे ही सिक्वेस्टर करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को. इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है. अब देखिए, जो ब्लू कार्बन है वो रेफर क्या करता है, इट रेफर्स टू कार्बन सिंक्स हेल्ड बाय कोस्टल एक्वाटिक एंड द मरीन वेजिटेशन, सो एंड सेडिमेंट्स, राइट? सो अगर हम देखते हैं कि ब्लू कार्बन इज द नेचुरल क्लाइमेटिक सोल्यूशन फॉर मिटिगेटिंग एंड रिवर्सिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्लोबल वार्मिंग को ये रिवर्स करने में हेल्प कर सकता है. सो यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग की बात नहीं आती है, किसकी बात आती है, कि ये एक तरह का क्या बन सकता है, कार्बन सिंक बन सकता है. इसीलिए जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है. तो ब्लू कार्बन के बारे में आपको डेफिनेशन जो इसकी है वो प्रॉपरली याद होनी चाहिए, ठीक है जी? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सेवन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन है, दैट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, अगेन टर्म रिलेटेड स्टैटिक कंसेप्ट है. तो सबसे पहला आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीन थेरेपी. तो जीन थेरेपी के बारे में पूछा गया है. सो जीन थेरेपी में सबसे पहला स्टेटमेंट है, जीन थेरेपी इज अ वे टू ट्रीट जेनेटिक डिजीजेस बाय करेक्टिंग द सोर्स ऑफ एरर इन द पेशेंट्स डीएनए. सेकेंड स्टेटमेंट है, जीन थेरेपी टेक्निक्स अलाउ डॉक्टर्स टू ट्रीट अ डिसऑर्डर बाय ऑल्टरिंग अ पर्सन्स जेनेटिक मेकअप इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रग्स और सर्जरी. थर्ड स्टेटमेंट आती है, अ हार्मलेस वायरल और बैक्टीरियल वेक्टर इज यूज्ड टू कैरी अ करेक्टिव जीन इनटू अ पेशेंट्स सेल्स वेयर द जीन देन डायरेक्ट्स द सेल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन नेसेसरी टू ट्रीट द डिजीज.
ऐसे ही आपको बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखिए स्टेटमेंट्स लंबी हैं, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। सो आपके पास ऑप्शंस आती हैं वन ओनली, सेकंड ऑप्शन है टू एंड थ्री ओनली, थर्ड ऑप्शन है वन एंड टू, और आपके पास डी ऑप्शन है दैट इज वन टू एंड थ्री ओनली। ओके सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट इज फोर, जो कि लास्ट ऑप्शन बनाती है आपकी, दैट इज वन टू एंड थ्री। अब देखिए अगर हम जीन थेरेपी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम जीन्स को ऑल्टर करने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डीएनए एग्जिस्ट करता है, दीज आर योर जीन्स, सपोज पर्टिकुलर दिस जीन इज डिफेक्टिव, तो इसका क्या करा जाएगा, या तो इसको रिमूव करा जाएगा या फिर इसको ऑल्टर किया जाएगा। तो यही कहा गया है कि जीन थेरेपी होती क्या है, जब जो डॉक्टर है वो डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है। तो क्या हो सकता है जी, जो डॉक्टर है वो क्या कर सकता है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट अ डिसऑर्डर बाय ऑल्टरिंग द पर्सन्स जीन। सो यहां पर ऑल्टरेशन करी जा सकती है। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक हार्मलेस वायरस को हम यहां पर भेज सकते हैं जो कि करेक्टिव जीन लेके जाएगा और उसके बाद जो नेसेसरी प्रोटीन्स हैं वो बन जाएंगे। तो जनरली आप देखेंगे जो वैक्सीन्स बनती हैं जिसमें डीएनए यूज किया जाता है, रादर जो आप कोविशील्ड यूज कर रहे हैं वो कोविशील्ड में भी क्या है, एक हार्मलेस वायरल वेक्टर जो है वो आपकी बॉडी में जाता है जो कि स्पाइक प्रोटीन्स लेके जाता है, किसके, कोविड के, और आपकी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेती है और आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है उससे। सो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसीलिए इट इज वन टू एंड थ्री। सो अगर जीन थेरेपी के बारे में बात की गई है तो ये तीनों ही क्या बनाते हैं, इसका कोर, ठीक है। तो पहला भी करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, एंड थर्ड भी करेक्ट है। सो आप देख सकते हैं ये डाउन टू अर्थ का अगेन न्यूज है, हेल्पिंग सेल्स बिकम बेटर प्रोटीन फैक्ट्रीज could improve the gene therapies and other treatments. ठीक है जी, सो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, अगेन जो जीन थेरेपी है उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या किया जाता है, आपके डीएनए में जो भी डिफेक्टिव सोर्स है उसको या तो एलिमिनेट किया जाता है या फिर उसको ऑल्टर किया जाता है। ऐसे ही हम वायरल वेक्टर, एक हार्मलेस वायरल वेक्टर भी यूज कर सकते हैं जिसमें करेक्टिव जीन उसमें डाल दिया जाएगा और फिर वो जाके नेसेसरी प्रोटीन्स बना लेगा, राइट। सो जो भी जेनेटिक डिजीजेस हैं इससे हम क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग दी जीन थेरेपी, डन। सो दीज आर दी एक्सप्लेनेशंस, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपके पास आता है अगेन इट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, सो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टेटमेंट्स देखिए क्या क्या है, सबसे पहले है द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ was transferred from state to concurrent list of the Indian Constitution by 42nd Amendment Act of 1976. So, आपको यहाँ पर लिंक किया गया है पॉलिटी से। सो उन्होंने बोला है कि जो वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट है उसको हमने स्टेट लिस्ट से कहाँ पर हमने शिफ्ट किया है, दैट इज इन दी कॉन्करेंट लिस्ट, और किस अमेंडमेंट से किया है, 42nd अमेंडमेंट से। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो आपको फंडामेंटल ड्यूटी, अगेन देखिए एनवायरनमेंट को लिंक किया गया है विद पॉलिटी। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टू ट्रू, ध्यान से देखिएगा, नॉट ट्रू पूछा है। सो आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं, दैट इज वन ओनली, सेकेंड ऑप्शन आती है टू ओनली, थर्ड ऑप्शन आती है बोथ वन एंड टू, और इज इट डी, नीदर वन नॉर टू। सो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि वाइल्ड लाइफ एज अ सब्जेक्ट इसको ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। दूसरा है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है जी। सो यहां पर आंसर हो जाता है, दैट कम्स टू बी, दैट इज फोर्थ, नीदर वन नॉर टू। सो आप देख सकते हैं सोर्स क्या है, इंडियन एक्सप्रेस में था, लोकसभा ने रिसेंटली पास किया है बिल टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल नॉर्म्स ऑन द एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो जो ग्लोबल नॉर्म्स हैं उसको इंक्लूड करने के लिए अमेंडमेंट की गई है इन दी
एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। सो आप देख सकते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वाइल्ड लाइफ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट के तहत फॉरेस्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट। सो देखिए, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, इसीलिए जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो स्टेट से हमने इसको किस में शिफ्ट कर दिया है, कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया है, और ये 51G के तहत आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी दी गई है, जिसमें हम प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, और दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से आपकी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए ऑप्शन क्या बन जाता है, दैट इज फोर्थ, नीदर वन नॉर टू। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज डिफेंस रिलेटेड, अगेन टर्म रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विद रेफरेंस टू हेलीना, हेलीना पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, इट इज एन एंटी टैंक मिसाइल। सेकेंड है, इट इज अ पार्ट ऑफ इजराइल्स आयरन डोम टेक्नोलॉजी। थर्ड स्टेटमेंट है, दैट इज इट कैन डिफीट बैटल टैंक्स ओनली विद कन्वेंशनल आर्मर। ठीक है, कन्वेंशनल आर्मर की बात करी गई है। आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 2, 1 only, 1 and 3 only, और इज इट डी 1, 2 and 3। हेलीना काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, अगर आपने डिफेंस रिलेटेड कोई भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे तो आपने हेलीना के बारे में जरूर पढ़ा होगा, राइट। सो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आंसर है दैट इज 2, विच इज ओनली 1 इज करेक्ट। सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सबसे पहले आप सोर्स देख लीजिए, PIB का सोर्स लिया गया है, जहां पर कहा गया है दैट DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है जी, सो हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, अगर हेलीना की बात करते हैं, सो जो हेलीना है, इट इज अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO, राइट। सो अगेन आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, इट हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 7 kilometers एंड हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर इंटीग्रेशन ऑन वेपनाइज्ड वर्जन ऑफ द ALH, दैट इज एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, राइट। सो अगर हम ये एंटी टैंक की बात करते हैं, ये एंटी टैंक मिसाइल है विच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया एंड नॉट बाय the part of Israel's Iron Dome technology. So हमने कोई भी इसराइल से मदद नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिजिनसली मेड है, इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द मिसाइल सिस्टम हैज ऑल वेदर डे एंड नाइट केपेबिलिटी एंड कैन डिफीट द बैटल टैंक्स विद कन्वेंशनल आर्मर एज वेल एज एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। सो सिर्फ कन्वेंशनल आर्मर से ही नहीं, रादर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से भी ये किसी के टैंक को तबाह कर सकती है, राइट। सो इसीलिए जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। सो थर्ड स्टेटमेंट पे ही एक्चुअली में प्ले करना था कि क्या सिर्फ कन्वेंशनल आर्मर यूज करती है। सो नहीं, कन्वेंशनल के साथ साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर भी देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हेलेना। नेक्स्ट चलते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टर्म रिलेटेड क्वेश्चन है अगेन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट पंच अमृत इज इंडियाज इनिशिएटिव टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एट UNFCCC COP26 इन ग्लासगो। जो ग्लासगो में रिसेंटली COP26 हुई थी, तो वहां पर पंच अमृत दिया गया था, राइट। सो पंच अमृत आपको पता होना चाहिए। सो द टर्म वॉज रियली इन न्यूज, पहले भी और आज भी रहेगी, राइट। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू द इनहांस क्लाइमेट चेंज टारगेट्स फॉर 2030, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज वुड अकाउंट फॉर हाफ ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। सो यहाँ पर जो रिवाइज आपके क्लाइमेट चेंज टारगेट्स हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं वो कंपाइल करेंगे हाफ ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज 1 only, 2 only, 1 and 2 only, और नीदर 1 नॉर 2।
सो COP26 के बारे में जो पंच अमृत, जो 5 गोल्स दिए गए थे, वो सारे की सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद ही रखने हैं, राइट? सो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं. आंसर आपका हो जाता है, दोनों ही करेक्ट हैं, दैट इज बोथ 1 and 2, राइट? सो आप सोर्स देख सकते हैं. सो इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज इन द इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट गिव्स नॉड टू स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट टारगेट्स फॉर 2030, जिसमें हमने पंच अमृत की बात की है. तो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इट हैज एनहांस्ड द क्लाइमेट चेंज टारगेट्स फॉर 2030, जिसमें हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, इंडिया इज नाउ कमिटिंग इटसेल्फ टू एटलीस्ट 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी बाय 2030, जिसमें हम बेस ईयर कौन सा ले रहे हैं, दैट इज 2005. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सीधा बेस ईयर भी पूछ सकते हैं. सो यहाँ पर बेस ईयर क्या है, दैट इज 2005 लेवल्स, राइट? सो ऐसे ही अगर हम देखते हैं UNFCCC में COP26 में पंच अमृत दिया गया था, जिसमें हमने एनहांस करने की बात करी गई है, और यहाँ पर कहा गया था दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंस्टॉल्ड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी विल बी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज. इसीलिए जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट आता है, जो हमने वी हैव इंक्रीज्ड द टारगेट ऑफ 40% द अपडेटेड नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन सीक टू एनहांस इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द पैरिस अग्रीमेंट. तो हमने इसको एनहांस कर दिया है, जो हमारे पहले इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिंड कॉन्ट्रीब्यूशन थी उससे उसको हमने एनहांस कर दिया है इन COP26 अंडर पंच अमृत, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट पंच अमृत. नेक्स्ट आता है आपका, अगेन इट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. स्टैटिक क्वेश्चन है कि अब देखिए, रिसेंटली अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो उस पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10 questions ऐसे थे जो कि आपको इन ऑप्शंस के तहत देखने को मिले थे. सो आप देख सकते हैं, आपको ये टेबल दिया गया है SDG 1, 13, 6 and 17. आपने मैच द कॉलम करना है और आपको बताना है कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं. सो आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिले होंगे, ओनली 1 pair इज करेक्ट, ओनली 2 pair इज करेक्ट, ओनली 3 pair इज करेक्ट, और ऑल दी 4 pairs आर करेक्ट. So, ऐसे वाले स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिले होंगे. तो धीरे धीरे करके जो हम अपने सेशंस में भी इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. अब देखिए, बिल्कुल स्टैटिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पर आपसे SDGs के बारे में पूछा गया है. अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में जब आप लिखते हैं अपना आंसर, तो हमेशा कहा जाता है कि कोई भी आंसर अगर SDG से रिलेटेड है तो आप उसके कंक्लूजन में जरूर SDG का नंबर लिखिए. तो जो SDG गोल्स है हमारे 17 गोल्स, वो 17 गोल्स एनवायरमेंट के आंसर्स अगर आप लिखते हैं तो वो 17 के 17 आपको याद होने चाहिए, राइट? सो अगर हम यहाँ पर आंसर देखते हैं, सो आंसर बन जाता है दैट इज 4. ऑल दी 4 आर करेक्ट. सो अगर SDG 1 की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नो पॉवर्टी. SDG 13 की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. SDG 6 की बात करते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. और अगर हम SDG 17 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप की बात करते हैं फॉर अचीविंग दी टारगेट्स, राइट? सो अगेन, सोर्स क्या है, दैट इज PIEB, पॉलिसीज टू अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिले हैं जो कि 17 इन नंबर है. तो आप देख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स आपका बनता है, दैट इज गोल नंबर 17. ऐसे ही अगर हम 6 की बात करते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में बात की गई है, राइट? सो आप देख सकते हैं जो आपके पास गोल नंबर 1 है, दैट इज नो पॉवर्टी. सो आई वुड सजेस्ट कि आप 5-5 करके सारे SDGs को याद कर लीजिए, आपके मेंस के आंसर काफी ज्यादा होलिस्टिक बन जाएंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दी SDGs. नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अगेन रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहाँ पर रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के बारे में क्वेश्चन है. सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. सो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 आया है, ये काफी ज्यादा न्यूज में था. ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने अपनी रैंक जो इनको दी गई है, इंडिया को रैंक दी गई है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जहां पर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि ये जो आपने पर्टिकुलर रैंकिंग बनाई है ये ठीक नहीं है.
राइट. सो पहला स्टेटमेंट है द 2022 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे रैंक्ड इंडिया लास्ट, दैट इज 180th रैंक है. सो 180 ही कंट्रीज इंक्लूड करती हैं और इंडिया को जो रैंक दिया गया है वो लास्ट रैंक दिया गया. सेकेंड स्टेटमेंट है जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये एक बाइनियल इंडेक्स है विच वॉज स्टार्टेड इन 2002 एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बाई दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो आपको अगेन देखिए यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं. सबसे पहला फैक्ट है कि ये जो इंडेक्स है स्टार्ट किया गया था 2002 में और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, दैट इज WEF. थर्ड स्टेटमेंट है जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इट इज पब्लिश्ड बाई येल सेंटर फॉर द एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी. सो अगेन देखिए काफी ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स पूछी गई हैं. सो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए. सो अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है तो आपके पास है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और इज द डी 1, 2 and 3. सो आप देखेंगे अगर हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं सबसे पहले तो आपको इंडिया का रैंक पता होना चाहिए 2022 में. सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिया का जो रैंक है वो लास्ट है, दैट इज 180th है. सो यहाँ पर ऑप्शन जो बन जाती है आपकी दैट इज डी. सो 1, 2 and 3 आर करेक्ट. डन. सो आप देख सकते हैं ये PIB का सोर्स है. अगेन जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2022 डज नॉट कंसिडर सेवरल इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. सो आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट किया है कि जो आपने इंडेक्स बनाया है उसकी अथॉरिटी, उसकी इफेक्टिविटी नहीं है क्योंकि आपने जो डेटा है वो प्रॉपरली मैनेज, प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया है. राइट. सो हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं. सो अगर हम इसकी बात करते हैं ये बाइनियल इंडेक्स है, कब स्टार्ट किया गया था 2002 में और किसने स्टार्ट किया था, WEF ने. राइट. इसको पब्लिश कौन करता है, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ और इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो कि आपको कोलंबिया में देखने को मिलता है. अब ये करता क्या है, इसका एम क्या है वो देख लीजिए. इसका एक मेथड है फॉर क्वांटिफाइंग एंड न्यूमेरिकली मार्किंग द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स. सो स्टेट की जो भी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस रही हैं उसको क्वांटिफाई करता है. राइट. अब देखिए यहाँ पर ऑपोजिशन क्यों की गई है, ऑपोजिशन बाय इंडिया. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, दैट इट हैज अपोज द यूज ऑफ अ न्यू इंडिकेटर इन द क्लाइमेट policy objective is projected GHG emission levels in 2050. So, यहाँ पर एक indicator को add किया गया है जिसमें कहा गया है कि हम इस parameter पे नापेंगे कि आपकी GHG emissions by 2050 कितनी हो जाएंगी. Right? Number one. Number two है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये future को predict कर रहे हैं rather than saying कि जो पहले contribution जिसकी ज्यादा है उनको लो मार्क्स ना देके ये कह रहे हैं कि 2050 तक जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी एमिशन कहां पर सबसे ज्यादा होगी. अब ऑब्वियस सी बात है इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहां पर आपको GHG एमिशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से है, वो प्रीवियस ईयर्स की वजह से है. तो इसीलिए इस पे इंडिया ने अपोज किया है. राइट. नेक्स्ट आता है दिस इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एमिशंस ऑफ द लास्ट 10 years. सो इन्होंने एवरेज किसका लिया है, लास्ट 10 years का, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको जो भी क्लाइमेट चेंज है 10 साल का जो गैप है वो काफी छोटा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज लॉन्गर ड्यूरेशन में होता है. तो जो आप एवरेज ले रहे हैं लास्ट 10 सालों का, रादर इट शुड बी 50 to 60 years. तो उससे आपको एवरेज, एक सही एवरेज देखने को मिलेंगी. तो सेकेंड इस पे अपोज किया है. राइट. ऐसे अगर थर्ड की बात करते हैं, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री आर क्रूशियल कार्बन सिंक्स बट हैव नॉट बीन फैक्टर्ड. अब देखिए जो भी इंडिया के कार्बन सिंक्स हैं, चाहे फिर फॉरेस्ट हो चाहे वेटलैंड्स हो, ये इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स हैं लेकिन इनको इंक्लूड नहीं किया गया है. तो इसीलिए इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है कि जो आपकी रैंकिंग है वो फेयर और इफेक्टिव नहीं है. ठीक है जी. सो अभी के लिए आपको याद रखना है अगर हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया कौन से रैंक पे आता है, दैट इज 180th रैंक पे. ठीक है जी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आपका अगेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिलेटेड है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट. सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड के रिगार्डिंग कौन कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. सबसे पहला दिया गया है स्नो लेपर्ड इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट. सेकेंड स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड द स्नो लेपर्ड एज द फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयाज. थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी टू द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन दैट इज GSLEP जो कि प्रोग्राम था कब से 2013 से. सो देखिए स्नो लेपर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आपका एक कीस्टोन स्पीशी बन जाता है अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयाज की बात करते हैं. सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है रिगार्डिंग स्नो लेपर्ड. सो आपके पास ऑप्शंस हैं. अच्छा अगेन फोर्थ आपके पास ऑप्शन है दैट इज प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च्ड इन 2009 जिसमें हम उसके नेचुरल हैबिटेट की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और उस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं. सो आपको ऑप्शंस बतानी है कौन सी करेक्ट है. 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, थर्ड ऑप्शन है 1, 3 and 4 और इज इट डी 1, 2, 3 and 4. तो सबसे पहले तो आपको इसकी कैटेगरी पढ़नी पता होनी चाहिए कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है या ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, राइट. सो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर बिकम्स बी दैट इज 2, 3 and 4. सो यहाँ पर हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सबसे पहले सोर्स देख लीजिए. द हिंदू में न्यूज आई थी स्टडी शेड्स लाइट ऑन प्रे प्रिडेटर रिलेशनशिप इन हिमाचल. तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड की बात की गई थी. सो अगर हम देते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. सो अगर हम देखते हैं ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है. ये किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है. वल्नरेबल कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है अंडर द IUCN रेड लिस्ट. इसलिए जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है. सेकंड स्टेटमेंट जो थी आपकी अगेन देख लीजिए. अगर साइट्स की बात करते हैं तो ये अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलता है. अगेन स्केड्यूल 1 में देखने को मिलता है अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं. तो अगर हम कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया इज अ पार्टी टू द GSLEP जो कि 2013 में बनाया गया था. अब इंडिया ने इसको फ्लैगशिप स्पीशी भी घोषित किया है. ये आपको पता होना चाहिए दैट इज फॉर द हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयाज. ऐसे ही अगर आप बात कीजिए सिक्योर हिमालय की, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सिक्योर हिमालय क्या है. दैट इज ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो कि GEF है. उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हम हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जो आपके स्नो लेपर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और जो लोकल कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं उसके नेचुरल एनवायरमेंट को कंजर्व करने की बात की गई है. ऐसे ही अगर हम प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करते हैं उसको लॉन्च कब किया गया था 2009, ठीक है. सो वेरियस प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू स्नो लेपर्ड. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. जो क्वेश्चन नंबर 14 है इट इज रिलेटेड टू द डिजीजेस. अगेन टर्म रिलेटेड डिजीज है. सो आप देखिए आपको बतानी है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मारबर्ग डिजीज. जो मारबर्ग डिजीज है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट्स बतानी है. तो पहली स्टेटमेंट है इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1967 आफ्टर साइमल्टेनियस आउटब्रेक्स इन मारबर्ग एंड फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी एंड इन बेलग्रेड सर्बिया. सो यहां पर आपको बताना है कि क्या ये 1967 में स्टार्ट हुआ था. दूसरा है द रोजेटस फ्रूट बैट्स आर कंसिडर्ड द नेचुरल होस्ट फॉर दिस डिजीज. सो जो फ्रूट बैट्स हैं आर दे द होस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज. थर्ड स्टेटमेंट है इट इज डिफिकल्ट टू क्लिनिकली डिस्टिंग्विश मारबर्ग वायरल डिजीज फ्रॉम डिजीजेस सच एज मलेरिया टाइफाइड फीवर एंड अदर वायरल हेमरेजिक फीवर्स. सो उन्होंने बोला कि यहाँ इसका मतलब क्या है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपको सेम देखने को मिलेंगे इन मलेरिया एंड अदर हेमरेजिक फीवर्स. सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 only और इज इट डी 1, 2 and 3 only. सो अगर हम इसका आंसर देखते हैं सो इट कम्स आउट टू बी डी. तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो आपको यहाँ पर जो मारबर्ग डिजीज है उसके बारे में जो भी फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले इसका आउटब्रेक कहाँ पर देखने को मिला था 1967 में और कहाँ पर. मारबर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे ही जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में और सर्बिया में बेलग्रेड में. सो आप देख सकते हैं इसके नेचुरल होस्ट्स कौन है. दैट इज रोजेटस फ्रूट बैट्स.
और अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर हैं टाइफॉइड और मलेरिया से, सो इसीलिए इसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, राइट? सो आप देख सकते हैं न्यूज़ किसकी है, दैट इज इंडियन एक्सप्रेस की है, व्हाट टू नो अबाउट दी मार्बर्ग वायरस डिजीज। सो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अगेन एक्सप्लेनेशन वही है कि आपको ये कैसे देखने को मिलेगी, देखिए, इट इज सेम फैमिली एज दी वायरस दैट कॉजेज दी इबोला वायरस। सो इबोला वायरस जो फैमिली से बिलोंग करने वाला ही एक वायरस है, यहाँ पर अगेन आपको 1967 में सबसे पहले आउटब्रेक होता हुआ दिखेगा। और अगर हम इसके ह्यूमन इन्फेक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन इन्फेक्शन विद मार्बर्ग वायरस डिजीज इनिशियली रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू माइंस और केव्स इनहैबिटेड बाय दी रोजेटस बैट कॉलोनीज। सो जो बैट्स हैं, फ्रूट बैट्स हैं, अगर आप उनकी कॉलोनीज में रह रहे हैं, उसकी वजह से ये जो डिजीज है ये ह्यूमंस में भी आ चुकी है, तभी इस डिजीज को क्या कहा गया है, द जूनोटिक डिजीज। डन। सो अगर हम यहाँ पर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगी बाय विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकती है। सो यहाँ पर कंटेमिनेटेड विद दीज फ्लूइड्स की वजह से आपको ट्रांसमिशन हो सकती है। सो यहाँ पर सिम्टम्स आप देखेंगे वही हैं जो सिम्टम्स आपको मलेरिया और टाइफॉइड को देखने को मिलेंगे, वैसे से ही सिम्टम्स हैं, इसीलिए हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। सो यहाँ पर यही लिखा गया, सिंस मेनी ऑफ द डिजीज सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ मलेरिया एंड टाइफॉइड फीवर, जिसकी वजह से डायग्नोसिस करना मुश्किल है, ठीक है? तो आपको टेस्ट लेना पड़ता है, या फिर पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको एलिसा टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आप जज कर पाएंगे कि ये डिजीज कौन सी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अगेन टर्म रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटेड टू डिफेंस। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। सो काफी ज्यादा न्यूज में था विक्रांत एयर, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपको कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो पहला है, इट इज डिजाइंड बाय द इंडियन नेवीज डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन डीएनडी। द कैरियर हैज बीन बिल्ट एट द कोची शिपयार्ड लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल इन द नेशंस क्वेस्ट फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव विद मोर देन 76% इंडिजिनस कंटेंट। सो यहां पर आपको इंडिजिनस कंटेंट देखने को मिला है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप एवर टू बी डिजाइंड एंड बिल्ट इन इंडिया। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। फोर्थ स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, इट विल कॉम्प्लीमेंट INS विक्रांत विल कॉम्प्लीमेंट द INS विक्रमादित्य, करंटली द नेवीज लोन कैरियर विच वॉज अक्वायर्ड फ्रॉम रशिया इन 2013। सो हमारे पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम क्या है, दैट इज विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य को ज्वाइन करेगा विद द नेम विक्रांत। सो आपको ये चारों स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अगेन करेक्ट ऑप्शंस बतानी है आपको, तो करेक्ट ऑप्शंस है आपके पास 2 एंड 3 ओनली, 2, 3, 4, 1, 2, 3, और इज इट डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। सो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका डी आ जाता है, चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये चारों स्टेटमेंट्स क्यों ली गई हैं, क्योंकि जो फैक्चुअल डिटेल्स आपको याद रखनी है वो यही याद रखनी है, किसने डिजाइन किया, इंडिजिनस है कि नहीं है। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था विद द नेम विक्रमादित्य, सो इसको ये क्या करेगा, ज्वाइन करेगा INS विक्रांत, ठीक है? सो आप देख सकते हैं अगेन TIB की न्यूज है। सो यहाँ पर लिखा गया है डिलीवरी ऑफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। डन। सो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो डिटेल्स वही है, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर विक्रांत की बात करते हैं, जो INS विक्रांत है वॉज नेम्ड आफ्टर द वॉरशिप दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन 1971। सो उसी के नाम पे इसको रखा गया है, दैट इज INS विक्रांत। सो यहाँ पर इसको डिजाइन किसने किया है, दैट इज इंडियन नेवीज डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन, और जो कैरियर है उसको बिल्ट किसने किया है, दैट इज कोची शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ
शिपिंग। सो यहाँ पर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो इसकी 76% कॉम्पोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिजिनसली मेड है। इसको कहा गया है इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वॉरशिप एवर मेड बाय इंडिया। सो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफी ज्यादा एफिशिएंट है। डन। सो आप देख सकते हैं इट विल कॉम्प्लीमेंट INS विक्रमादित्य, जो कि हमने किससे लिया था? रशिया से लिया था इन 2013। डन। सो अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो 28 नॉट्स है एंड अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 18 नॉट्स। अगेन आपको इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद भी नहीं रहेगा आपको, मेनली बस ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं वो ही आपको याद रखनी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इट इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग एस्ट्रोसैट। अब देखिए एस्ट्रोसैट काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और ये इंडिया का क्या है, पहला स्पेस क्राफ्ट है जो कि स्पेस को देखेगा, एस्ट्रोसैट। ठीक है, सो आपको बताना है एस्ट्रोसैट के बारे में। सो एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। क्या है ये? एक स्पेस टेलीस्कोप है विच हैज 5 टेलीस्कोप्स seeing through different wavelengths simultaneously, visible wavelength को देखेगा, near UV को देखेगा, far UV को देखेगा, soft X-rays and hard X-rays को देखेगा। तो ये multi wavelength space telescope है। Next, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, on board the AstroSat is a 38 centimeter wide ultraviolet imaging telescope। इसको क्या कहा गया है? It is ultraviolet imaging telescope which is capable of imaging in infrared and near ultraviolet bands over a wide field of view. Third statement hai, AstroSat was launched on 28 September 2015 by ISRO into the geostationary orbit. अब तीनों statements आपको ध्यान से पढ़नी है, जो third statement है उसकी date दी गई है और कौन से orbit में इसको launch किया उसके बारे में बताया गया है। So आपको correct options बतानी है, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, सी ऑप्शन है टू एंड थ्री ओनली, और इज इट डी वन टू एंड थ्री ओनली। ओके, सो आंसर की बात करते हैं तो आपके पास वन एंड टू ओनली है क्योंकि यहां पर ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको लॉन्च नहीं किया गया है। सो अगेन आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, अगर हम एस्ट्रोसैट की बात करते हैं तो मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। अगेन PIVC से लिया गया न्यूज है जिसमें कहा गया है जो DST Inspire Fellow leads study unveiling the secret of distant dwarf galaxy formation. So AstroSat की मदद लेके क्या किया गया है, जो students हैं Inspire program के तहत जो students हैं उन्होंने distant dwarf galaxy की formation को judge किया by using the AstroSat. So आप देख सकते हैं अगर हम AstroSat की बात करते हैं, it is India's first multi wavelength स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप है जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स को हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एस्ट्रोसैट इज अ 38 सेंटीमीटर वाइड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। लेकिन कहां पर लॉन्च किया गया है? इनटू अ नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट। सो नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में करा है, ना कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो इट इज 36,000 किलोमीटर दूर फ्रॉम दी अर्थ। सो इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये लॉन्च कहाँ किया गया है, दैट इज नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट। राइट, सो आप देखिए अगर हम देखते हैं, सो इट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जिसमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया है। IUCAA, ISRO ने पार्टिसिपेट किया है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु एंड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अमंग अदर्स। सो बहुत से इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इसको इसमें कोलैबोरेट किया है। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीसेंट न्यूज जो कि हमारे प्रीवियस वीक में थी, दैट इज फ्रॉम 1st August to 6th August। थैंक यू वेरी मच।